Hi everyone, welcome back to my channel Beauty Nation. I hope you all are doing well. So in today's video I am gonna reacting to Karan Aujla ka ek naya song aaya hai jiska naam hai POV point of view, but this is the video, I mean this is the audio, this is not a video. तो जब वीडियो आएगी तो विल गोना रिएक्ट ऑन द वीडियो एज वेल, बट अभी इसकी ऑडियो आई तो सिर्फ ऑडियो रिएक्शन देने वाले हैं फटाफट से, ठीक है. सो या एंड ये करण औजला का जो ऑफिशियल चैनल है उसके ऊपर ये वीडियो डली है, ठीक है. इसके अंदर ये प्रूफ कौन है, ये प्रूफ का म्यूजिक है इसके अंदर, ठीक है. सो विल गोना सी दिस वीडियो वेरी क्विकली. सो या गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या फिर हम पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल गाइस, लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड कमेंट डाउन आपको वीडियो कैसी लगी है. एंड ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो मैं किन वीडियो रिएक्शन में जरूर उन सब वीडियो रिएक्शन दूंगी. आप मुझे फॉलो कर लो मेरे सारे सोशल मीडियाज पे, उन सब के लिए मुझे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना एंड डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा मेरे सेकंड चैनल का लिंक. अब सब इस सब्सक्राइब कर सकते हैं. सो यस, विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड. मैं तुझको अपनी बाहों में बसा के रखूंगा. अच्छा चज नाल सोचदी नी चज करदी, दुनिया ता रब नू भी जज करदी, भुखी बदनाम रज रज करदी, दुनिया तो रब नू भी जज कर दी. किसे को जवाब नहीं, हर एक को सवाल, दुनिया कमाला कमाला कमाला, एड़िया दे करके नहीं साडा यही हाल, आओ हले तक आखी जांदे आपा तेरे नाल, दुनिया दे चुभदार कने दीवा जागदा, इको मेरे दिल चैर वाह ही नहीं सकदा, कीता गल मन्नी अज कल लोग तेज ने नी, इन्ने भी नहीं भोले सानू पता ही नहीं लगदा, दिमाग नू लड़ा लियो दिमाग कट लड़दा, पता हुंदे होए दसो तीर केड़ा फड़दा, ते जाइए मर गए ना जाइए तां भी मरिया, हुण दसो मरने नू कीदा दिल करदा, पिछे टोआ खूदा ते मूहरे टोआ अगदा, ओनी कोई देखदा अखां चो पानी बगदा, जिन्हां दे कसूर ने हाए ओह तां बड़ी दूर ने, ते नाम पिछों तेरे मेरे वर्गे दा लगदा, किसे बारे बोलना इह गल्लां नहीं चंगीआं, सफाईआं तां इहों दित्तीआं सफाईआं तुसीं मंगीआं, दसो फिर सानू किहड़ा पुछणे नू आ गिआ, ओह पंज बारी साडे वी घरां दे विच्चों लंघीआं, बच के नहीं बच के हाए अगों कूणी मोड़, भुखी बदनाम रज रज कर दी, मेरे दुनिया ता रब नू भी जज कर दी, ऐदा किथे लुकण चलाकियां लुकाइयां, तोले टेंपरेरी हाइड कर दियां डाइयां, खबरां दे छाप देना तोल देना नाप देनी, दस फिर इत्थे किहड़ा मुक गईयां शाइयां, असियां खलोते जाण वाले सारे लंघ गए, मौके दियां गल मौका मिलिया ते भंड गए, फिकर ना कर भी बांगणा ते याद नहीं नी, जेड़े साडे माड़े टाइम विच मिठा बंड गए, किते दिन चढ़दा ते किते हुंदी शाम है, जवानी उत्ते माण है नी ओनू ही सलाम है, गरीब कोल पैसे दी ते सच्चे को सबूत दी घाटे इत्थे मुड तो ही हुंदी गल आम है, तेल दा की खंद दे सहारे ही है उगली, हस मुख बंदियां सुभा साडा शुगली, गल बात रब दी जे हैगी आ सणा, शेरा मित्रां दे कोल खड़के ना करी चुगली, अन्ने छोटे लगदे लिखण लगा दुनिया, मुसीबतां तां बणियां मुसीबतां नी चुणियां, उम्र जे होगी फिर पोतियां नू दस्यो के कोटियां नी आउंदियां स्कीमां बस बुणियां, नशा तुहाडे अंदर कोई लोड है नी पीण दी, पिठ कदे लगदी नी नाम दे शकीन दी, ओनू तुहाडे अंदरों आवाज शायद आज भी है, कल्ले बह के सुनो कथा संत मसकीन दी. So that's the video. I totally love this video. Actually, it's audio. Why I'm saying video? So this is it. And इसके अंदर to be really honest, इसमें बोला गया कि दुनिया जो है वो रब को भी, वो रब नू भी जज करती है, ठीक है. एंड दैट्स ट्रू, मतलब लोग रब को भी जज करते हैं ना कि खुदा ऐसा है खुदा वैसा है, इवन दो खुदा ने सबको बनाया, खुदा ने अपने हाथों से सबको बनाया, स्टिल लोग कहते हैं कि खुदा ऐसा है खुदा वैसा, ठीक है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, सो पॉइंट ऑफ व्यू POV, आई गेस इन्होंने
अपनी लाइफ के ऊपर बनाया है या मे बी आई थिंक उससे ही कुछ रिलेटेड बनाया है, आई एम नॉट श्योर, बट इसके अंदर यू नो एक ब्रदर ओजी का कमेंट है, ठीक है, इसको 1.9 के लाइक है, तो आई गेस कि ये यू नो थोड़ा सा सिमिलर हो सकता है उनकी वीडियो से रिलेटेड। मैंने कहा फाइनली लोका दे मुंह बंद करो लाई कलम नू कुछ लिखा है, कांट वेट टू लिसन फैक्ट्स रब सब नू खुश रखे, ऑब्वियसली तो इन्होंने ऐसा बोला, तो कांट वेट टू लिसन फैक्ट्स, आई गेस फैक्ट्स इनका सॉन्ग आ रहा है, मे बी आई एम नॉट श्योर पॉइंट ऑफ व्यू फैक्ट्स, आई एम नॉट श्योर, मे बी फैक्ट्स आ रहा है क्योंकि आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। फैक्ट्स जो उनका पहला सॉन्ग है आई थिंक उसमें रेशन दे चुकी हूँ, ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में ही जब मैं अपनी वीडियो शूट करती थी, ठीक है, स्टार्टिंग में ही, मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग में ही, तो उस टाइम से मैंने इनका रिएक्शन दिया था, मतलब उनकी सॉन्ग पे फैक्ट्स पे, फैक्ट्स चिट्ठियाँ, और मतलब ये दो सॉन्ग्स हैं उनके जिनमें मैंने सबसे स्टार्टिंग में रिएक्शन दिया था, तो आप देखना चाहो तो आप देख सकते हो, उसका लिंक मिल जाएगा आपको इस वीडियो के एंड में और मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लेयर्स का जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस वीडियो, इसके अंदर बेसिकली अगर हम देखा जाए तो उसके सब ने कमेंट्स में यही करा है कि एक पेरेंट्स के बिना यू नो आगे बढ़ना, उनके बिना लाइफ को जीना इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड बहुत स्ट्रगल होते हैं, ऑब्वियसली बात है, बहुत स्ट्रगल होता है लाइफ के अंदर, है ना, एंड जब आपके साथ पेरेंट्स ना हो तो और स्ट्रगल होता है भाई, एंड या सो अच्छा लगा मुझे इस वीडियो को सुनने बहुत ही ज़्यादा ही, कि वी ऑलरेडी न्यू दैट कि यू नो लाइक करण औजला ने बहुत कुछ सहा है, ठीक है, बिकॉज जैसे मैंने इनके पहले के सॉन्ग सुने थे, ठीक है, उसके अंदर था यू नो सब कुछ लिखा था इनके ऊपर, आई थिंक इट्स ओके गॉड भी आई गेस इनका ही सॉन्ग है ना, जिसके अंदर आई गेस उन्होंने अपनी मदर की, आई थिंक अपनी फादर के, इन दोनों में से आई थिंक या इन दोनों की या फिर किसी एक की फ़ोटो दिखा के कुछ कहा था कि इट्स ओके गॉड, तो लिटरली वो उस वीडियो ने मेरा लिटरली ब्रेक कर दिया था हार्ट को, बट सो आई गेस ये वीडियो इनके ही कुछ यू नो लाइफ से रिलेटेड होने वाले हैं, बिकॉज पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं कहूँ तो उस जो पॉइंट ऑफ व्यू जो टाइटल है उससे भी लग रहा है, प्लस एज वेल एज जो कमेंट्स करके लोगों ने उससे भी लग रहा है, ठीक है, एंड इसके जो लिरिक्स हैं कहूँ तो लिरिक्स भी कुछ इस तरह की हैं, एंड मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगी कि आई डोंट नो गाइस प्लीज़ डोंट माइंड, वैसे कोई माइंड करने वाली बात नहीं है, लेकिन स्टिल आई जस्ट वॉन्ट कि ये इसके अंदर अपनी वीडियोज़ के अंदर ना इंग्लिश सबटाइटल डाल दे करें, ठीक है, बिकॉज फॉर मी इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड पंजाबी, ठीक है, एंड आई नो बहुत टाइम से मैं पंजाबी सुनती आ रही हूँ, बट यू नो यार क्या बोलो पंजाबी मुझे समझ नहीं आती कि पंजाबी में बोला क्या जा रहा है, बट स्टिल इफ़ आई कैन से अगर मैं यहाँ पे वो बात करूँ कि मुझे किस तरह का फील हुआ है, ठीक है, बिकॉज एक होता है ना कि बंदे को फील कैसा हो रहा है, ठीक है, अगर बंदा कुछ फील ही नहीं कर पा रहा है किसी सॉन्ग से रिलेटेड तो आई थिंक उसको बिल्कुल ही सॉन्ग समझ में नहीं आए, लेकिन अगर मैं अपना बताऊँ कि मुझे किस तरह की फीलिंग आई आफ्टर लिसनिंग दिस सॉन्ग, तो आई गेस एक फीलिंग एक अलग तरह की फीलिंग है, क्योंकि इसमें शुरुआत ने बोल दिया है कि दुनिया तो रब को भी जज करती है, ठीक है, तो आई थिंक ये वीडियो एक उसी लाइन में जा रही है जिस लाइन में मेरा दिमाग जा रहा है, ठीक है, आई गेस सो, बट या टोटली लव दिस वीडियो, एंड जब इनकी वीडियो आएगी तो आई कांट वेट टू रिएक्ट ऑन हिज वीडियो, ठीक है, बिकॉज काफ़ी टाइम बाद इनका ये सॉन्ग आ रहा है, क्योंकि इनके चार सॉन्ग आए थे फोर यू जो इनके एल्बम थे, चार सॉन्ग आए थे, तो उस पर रिएक्शन दिया था मैंने, आपको नहीं देखा इसका लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर लेना वेरी क्विक लेट, ठीक है, सो मुझे बहुत अच्छा लगा इस वीडियो को देखने में, एंड आई होप कि गाइज आपको पसंद आएगा, प्यार से वीडियो अगर आया देन प्लीज़ टू लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल गेट्स फ्री, उसके जो ब्लैक प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए सब नोटिस आपका, सो बोले इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो बोले स्टोन से बाय, कमेंट्स गाल नहीं कढ़नी।